हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इजी गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज के मेरे वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ एक हर्ब का। जी हाँ, ये गार्लिक लीव्स जो होती हैं, ग्रीन गार्लिक लीव्स, हमारे किचन में सर्दियों में बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। इन्हें हम लोग अपने बहुत सारे डिशेज में, चटनीज में या बहुत सारे सर्विंग्स में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस ग्रीन गार्लिक को आप अपने किचन गार्डन या टेरेस गार्डन में बहुत इजीली लगा सकते हैं। बहुत फास्ट ग्रो करता है और जैसे कि आपको मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगी, ओनली 15 डेज़ में ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप कुछ उसमें कॉमेंट करना चाहते हो तो प्लीज़ अपने सजेशन्स हमें ज़रूर भेजिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, अपने किचन गार्डन में ग्रीन गार्लिक लगाने के लिए आपको बहुत इजीली अवेलेबल जो गार्लिक होता है, हमारे किचन में इस्तेमाल होता है, वो एक पॉड ले लेना है। और इस तरह से उसकी जो, ये देखिए, कलियों को मैंने अलग कर लिया है। इस तरह से इसे अलग करने के बाद हमें लगाने के लिए, ये देखिए जो पोर्शन है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सॉइल में रहना चाहिए। इसे हम अपसाइड डाउन यानी कि सॉइल में अंदर की तरफ डाल देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने बस इसे थोड़ा सा प्रेस करके डाल दिया। आपको बहुत डीपली प्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑलमोस्ट एक इंच इसको ऐसे इस तरह से डाल के प्रेस कर दें। देखिए, बिल्कुल आपको क्लियरली मैं दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से अपने सारे कलियों को, जो भी आपने गार्लिक के पॉट से सेपरेट किया है, सबको आप लगाते जाएं। दोस्तों, ये जो लगाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है, अपना एक करौंदे का बड़ा पॉट था, उसी के आसपास मैंने लगाया है। और ये देखिए दोस्तों, ओनली 5 डेज़, ये सिर्फ 5 दिनों का मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। इसमें 5 दिन के अंदर देखिए ये कलियाँ फूटनी शुरू हो गई हैं, नए नए पत्तियाँ बननी शुरू हो गई हैं, देख रहे हैं आप दोस्तों। तो इस तरह के जो हर्ब्स हैं ना लगाने के लिए, जैसे धनिया है, गार्लिक है, पुदीना है, इसके लिए ना आप सेपरेट पॉट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने वो पॉट यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपने कोई बड़ा पौधा लगाया हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, 8 डेज़, मतलब आप देख सकते हैं 5 डेज से 8 डेज़ में कितना फास्ट ग्रो किया है। 8 डेज़ में इतना अच्छा, देखिए कितना बड़ा हो गया ये, और बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है इसकी। और आप इसकी लीव्स एक बार हार्वेस्ट कर लेंगे तो भी ऐसा नहीं होता कि पौधा ख़त्म हो जाता है। जो गार्लिक प्लांट होता है, मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगी वीडियो में। और ये देखिए, ऐसे देखिए 15 डेज़ में इसकी काफ़ी सारी पत्तियां आ गई हैं। अभी इस स्टेज पे आप इसकी दो दो तीन तीन पत्तियां अगर सारे एक एक प्लांट से आप निकाल लोगे तो आपको कुछ ना कुछ यूज़ करने के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि आप चटनी में, सब्ज़ी में या किसी और डिश में इस्तेमाल करना चाहते हो। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने देखिए करौदे के पॉट में चारों तरफ से लगा दिया था। तो ये जो एडिशनल स्पेस बचता है, जो बड़े प्लांट्स का हमारा पॉट होता है, वो भी बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ हो जाता है, है ना। इससे हम मैक्सिमम यूज़ भी कर सकते हैं अपने सॉयल और न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि इनको अभी शेड नहीं पड़ रहा तो ये बहुत आराम से ग्रो भी कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने एक लीव निकाली। इस तरह से आप कैची की हेल्प से या हाथ से भी बहुत ईजिली आप इसे ऐसे तोड़ सकते हैं। बिल्कुल जो सेंटर वाली छोटी लीव है उसे छोड़ दीजिएगा, वो ग्रो करती रहती है, ठीक है ना। देखिए ऐसे, इस तरह से मैंने इसको छोड़ दिया है और अब ये बहुत आराम से आगे भी ग्रो करेगा और नीचे जो गार्लिक पॉड है वो भी बड़ा हो जाएगा, जिसको बाद में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, देखिए मैंने इसमें सेपरेट किया था। अब ये 30 डेज़ की बात का है, मतलब 1 मंथ में देख रहे हैं आप ग्रोथ क्या है। कुछ लीव्स मैंने निकाली थी, उसके बाद भी जो लीव्स बचती है ना तोड़ने के बाद, देखिए वो भी ग्रो करती रहती है। आप देख रहे होंगे लीव्स ऐसे टूटी हुई है, फिर भी वो ग्रो कर रहा है। अब देखिए, मैं इसको ऐसे सॉइल से निकाल लूँगी। अब इस स्टेज पर देखिए, इस तरह का ग्रीन गार्लिक मिल जाता है दोस्तों। ये बहुत फ्लेवरफुल होता है। ये गार्लिक जो सूखी हुई गार्लिक होती है, वो तो आप इस्तेमाल करते ही अपने किचन में। आप इसे भी चाहें तो बहुत आराम से सब सर्दी की बहुत सारी सब्जियों में इस्तेमाल होता है। और बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश गार्लिक की इसमें स्मेल होती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से हम अपने किचन गार्डन में हर्ब्स बहुत ईजिली लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाले गार्डनिंग के बहुत सारे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।